हिमाचल में ना आपको देखने के लिए बहुत सारे ब्यूटीफुल ऑफबीट प्लेसेस मिलेगा। और ये देखिए अनोखा ये प्लेस जहाँ पेड़ बिल्कुल नाके बराबर है और इसे कहते हैं स्पीति वैली एंड इस जगह का नाम है हुरलिंग। यहाँ का स्पीति रिवर ये वैली को जीवित करके रखा है क्योंकि यह एडवर्स नेचर के कारण ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। पॉपुलेशन शायद 250 के आसपास है और ये 10,236 फीट ऊंचाई पर स्थित है। तो कल्पा और किन्नूर को अलविदा कहकर हम स्पीति के लिए निकल पड़े। यहाँ की स्पिरिचुअल वातावरण और मंत्रमुग्ध कर देने वाले हेवनली अनुभूति के साथ साथ महादेव किन्नूर कैलास के शिवलिंग दर्शन हमेशा के लिए हृदय में बस जाएंगे। कल आसमान में बादल छाए हुए थे इसलिए भगवान शिव जी के दर्शन नहीं हुए। कहते हैं कि उनके इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। उनको देखने के लिए सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ। आज तो हमारा पुण्य लाभ हो गए क्योंकि आज हमारा किस्मत अच्छा है। आप भी पुण्य लाभ कीजिए और देखिए ये है किन्नूर कैलास शिवलिंग। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग, दिस इज निर्मल। आज हम कल्पा से टापू जाने का कोशिश करेंगे और ये देखिए यही है होटल हिमालया जहां हम कल नाइट स्टे किए थे और वो व्हाइट नेस्ट का पुराना पार्ट है। अगर आपको रहना है तो ईस्ट फेसिंग रूम लेना होगा, तब पूरा किन्नूर कैलास रेंज दिखेगा और साथ में शिवलिंग अगर ये आपका लक है तो। व्हाट ए प्लीजेंट मॉर्निंग। कल और आज में कितना डिफरेंस है पहाड़ों में ना, यही तो चमत्कार होता है। दोनों साइड पर पाइन और देवदार के घना जंगल के अंदर से हम जा रहे हैं साथ में ब्यूटीफुल फीलिंग्स। कल्पा की एक खास विशेषता नॉट ओनली स्पिरिचुअल एम्बियंस बट खूबसूरत नेचर के साथ साथ खूबसूरत एप्पल ऑर्चर्ड भी है, लेकिन इस टाइम पर हम वो मिस कर चुके हैं। सितंबर अक्टूबर में देखा जा सकता है। आज हमारा प्लान कुछ इस तरह रहेगा, कल्पा से पहले पुवारी होकर मार्टिर्स खारो ब्रिज, बाद में खाब रिवर संगम, उसके बाद नाको होकर मालिंग नाला मुल्लैंड चांगो, फिर सुमदु चेक पॉइंट पार करके ग्यू मम्मी और अंत में हार्लिंग में नाइट स्टे करेंगे और इसी में 180 किलोमीटर की यात्रा होगी। इससे ज़्यादा हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए। हम फिर वही रास्ता पुवारी पार कर चुके हैं और हमारी बाएँ तरफ सतलुज रिवर है। आप देख सकते हैं कि नेचर का लैंडस्केप कितनी तेज़ी से बदल रहा है। थोड़ा आगे जाने पर आपको सड़क के दाहिने ओर एक छोटा सा झरना दिखाई देगा जो हमको दूर से दिख रहा है। व्हाट ए ब्यूटीफुल व्यू। अभी हम स्पेलो आने वाला है, इससे आगे रोपा वैली आएगी और इस ब्रिज के आगे एक चेक पॉइंट है जहां पर हमको परमिशन लेना होगा। आगे खाब रिवर संगम आएगी और आप पत्थर पर एक अजीब एटलस की रेखा की तरह एक अजीब भू आकृति देखते हैं। और ये देखिए खाब ब्रिज, सतलुज और स्पीति रिवर के संगम स्थल। ए वंडरफुल प्लेस टू रिमेंबर फॉर लाइफ टाइम इन योर जर्नी टू स्पीति। और इस जगह का दोनों किनारों पर विशाल पहाड़ है एंड इट कैन बी अपीयर टू बी हॉन्टेड व्हेन द स्काई इज क्लाउडी। आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में स्पीति रिवर का ब्लैक वाटर और लेफ्ट साइड में सतलुज की मॉडी वाटर। We are crossing the Khab Bridge, confluence of Spiti and Satluj River. The Satluj River, which originates in Tibet's Manasarovar Lake and flows through the Spiti Valley, meets the Spiti here. The 22,400 feet Riofur Gil Peak may be seen.
खाब संगम से आगे हम नाको की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि हम नाको पर नहीं रुकेंगे, अगर समय मिला तो हम एक बार नाको घूम के देखेंगे। प्रकृति का कैसा अद्भुत सौंदर्य है, जिधर देखो उधर आंखें चौंधिया जाते हैं। सड़क के हर कोने पर एक अद्भुत सुंदरता इंतजार कर रही है। हमारी भारत में ऐसा प्रकृतियाँ हैं जिनके बारे में कभी नहीं जान पाता। अगर मैं यहाँ नहीं आया होता तो भूगोल की किताबों के पन्ने में हम जो पढ़ते हैं, आज वो हमारे आंखों के सामने जीवित हो गए। अब मालिंग नाला पार कर रहे हैं और ये खतरनाक शूटिंग स्टोन जोन है, लेकिन हम ऊपर का नया सड़क पर जा रहे हैं इसलिए खतरा कम हो गया। और नीचे सरफिला का सड़क दिखाई दे रहा है। हम बहुत ऊपर आ गए हैं और ठंडक भी बढ़ गई। अब हम नाको क्रॉस कर रहे हैं। और ये देखिए कैसा विचित्र लैंडस्केप, शायद आपने भी पहले नहीं देखा होगा। इससे कहते हैं मूनलैंड चांगो, पर ये क्यों तो मूनलैंड नहीं है, इट्स ए मिनी वर्सन ऑफ लद्दाख मूनलैंड। और ये नाम कैसे आए मुझे पता नहीं। इट्स अ सीनिक एंड सीरीन प्लेस, प्लीज डू नॉट पॉल्यूट दिस प्लेस। आप देख सकते हैं हमारे बाएँ ओर स्पीति रिवर है और एकदम नज़दीक है। हम अब सुमदो चेक पॉइंट की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ से ग्यूमममी जाएंगे। यहाँ मैंने कृत्रिम मधुमक्खी पालन और सेब के कई बागीचे देखे, बहुत अच्छा लगा। अब हम ग्यू विलेज जाने का मेन गेट पर हैं और ये ग्यू नाला है। इसका पानी ब्लैक दिखता है, पता नहीं ऐसा क्यों है। यहाँ से ग्यू टेम्पल 12 किमी डिस्टेंस का है। आप देख सकते हो ये रास्ता उतना अच्छा नहीं है और यहाँ कोई मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है। एंड यू आर एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ प्रिमिटिव टाइम। अब हम ग्यू विलेज प्रवेश कर रहे हैं। ग्यू 15 से 20 घरों का एक बहुत छोटा सा गांव है। रास्ते में हमको दो चार होमस्टे भी दिखाई दिया और अपने ज़रूरतों के लिए खेती कर दिए। इस माहौल में ना रहना वास्तव में आपको दुनिया से अलग महसूस कराता है। क्या आप यहाँ पर ट्राई करेंगे एक नए रहने के लिए? अभी हम ग्यू मम्मी के पास आ गए और ये है संघा तेंजिन की सेल्फ मॉडिफाइड मम्मी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने रेडियोकार्बन डेटिंग से इस मम्मी की प्राचीनता और पहचान निर्धारित की। 1430 वर्ष पूर्व से ये यही स्थिति में है। आप देख सकते हैं अभी भी मम्मी पर टीथ नेल हेयर भी है और ये सेल्फ मॉडिफिकेशन के लिए बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अप्रोक्स 1000 डेज की स्ट्रिक्ट डाइटिंग करना होता है जिससे बॉडी डिकम्पोज हो ना जाए। और आप देख सकते हो यहाँ पर ग्यू मॉनेस्ट्री बन रहा है, वो अभी तक कम्प्लीट नहीं हुए, अगले 2-3 साल में कम्प्लीट हो जाएगा। और यहाँ का नेचर कितनी सुंदर दिख रहा है। इस मामी की खोज 1975 में हुई थी भूकंप के दौरान।
उस भूकंप में 6 स्तूप नष्ट हो गए। वो 1981 में एक स्तूप में पाया गया था जहां इंडो टिबेट बॉर्डर पुलिस बंकर की खुदाई कर रही थी। तब से तत्वों के संपर्क में आने और कई कृत्रिम संरक्षण ना होने के बावजूद शरीर में थोड़ी गिरावट दिखाई गई है। यही है हुरलिंग। आप देख सकते हो यहाँ के नज़ारे, नीचे बहती स्पीति रिवर, कोल्ड डेजर्ट स्पीति में ना कैसे यहाँ के लोग एप्पल का ऑर्चर्ड बना दिया। यह देखने का ज़्यादा कुछ नहीं है, टूरिस्ट सिर्फ नाइट स्टे करने के लिए यहाँ आते हैं और दो चार होटल्स गेस्ट हाउस भी हैं। और हम आज यहाँ ड्रीमलैंड गेस्ट हाउस पर रुकेंगे। यू कैन सी द डेकोरेशन ऑफ आवर रूम। इस जगह पर ऐसा गेस्ट हाउस मिलना आश्चर्य का विषय है। और ये देखिए बालकनी से बाहर का नज़ारे। और अब शाम के 6 बज चुके हैं लेकिन धूप अभी भी चमक रही है। इस जगह पर रहना एक अलग ही महसूस है, एकदम नेचर के पास, साथ में स्पीति रिवर की स्वीट आवाज आप भी ट्राई कर सकते हैं। हेलो गाइस, दिस इज हर्लिंग एंड वी आर इन द होटल ड्रीमलैंड गेस्ट हाउस एंड पापा इज नॉट कंफर्मड अबाउट Tabo because he is saying that he maybe will stay in Tabo or not stay. This is 20 km away from Tabo and next morning we are going to Tabo. Anyways, so we decided to stay here as in compared to Pai. This is a luxury hotel. You can now see Papa is swimming me. अभी हमारा डिनर हो चुके, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड ताबो में। बाय।